हमारी तैयारियां इस समय कैसी हैं डॉक्टर जयलाल? मतलब अच्छी तरह से हमारे दूसरी हॉस्पिटल लहर के हैं। बाद क्या क्या सीखा है हमने? उस तरह की स्थिति फिर तो नहीं होगी? अभी हमारा हॉस्पिटल्स हमारा ऑक्सीजन सभी सफिशियंट अमाउंट है। वी आर फुल्ली रेडी टू फेस द डिसीज, ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एट प्रेजेंट इन इंडिया इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपका यह आकलन है कि भारत किसी भी परिस्थिति से, डॉक्टर पारिक, भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड्स हो, चाहे दवाइयां हो? जो कमियां हमको दूसरी लहर के दौरान मिली थी, डॉक्टर पारिक, वो डर दोबारा तो नहीं होगा? देखिए गौरव, जब डॉक्टर मिश्रा जी बोल रहे थे कि बहुत कुछ सीखा हमने, मुझे एक पुराना राज कपूर जी का गाना याद आया कि बहुत कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। हमको भी होशियारी सीखनी चाहिए। दूसरे वेव के पहले भी हमको लग रहा था कुछ होने वाला नहीं है, और मुझे एक चीज याद आ रही है जी और डेट भी याद रहा है, 8 मार्च 2020, आपके ही चैनल इंडिया टुडे पर मैं राजदीप सरदेसाई आपके कॉलिग के साथ प्रोग्राम पे था। जी तब तक इंडिया में 80 केसेस आई थी, एक भी मौत नहीं हुई थी। वो चैनल पे मैं ऐसे आपको दिखाया वैसे चार्ट्स दिखा के बोल रहा था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला, जी और वहां काफी हॉस्पिटल्स के ओनर्स भी थे और वो लोग यही बात कर रहे थे, क्या कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग तैयार है, हमारे पास इतने हॉस्पिटल है, इतने बेड्स है, इतने डॉक्टर्स है। और मैं बोल रहा था कि देखिए ये कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स है जो रेडी हुए हैं, और इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ी लहर, और शायद 3 लहरें आएंगी, थ्री जी वेव्स आ सकती है। तो जब 8 मार्च को मैं राजदीप जी के साथ ये बात चर्चा कर रहा था, तो अब बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारी तैयारी है। दूसरे वेव के पहले हमको लगा हमारी तैयारी है। तो हम को ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते, हम हमेशा वायरस के आपका दो मॉडल कदम इस पीछे समय हैं। क्या कह रहा है? इस समय ओमिक्रॉन को लेकर अगर आपने कोई मॉडल तैयार किया है, तो वो भारत की स्थिति को लेकर क्या कह रहा है? देखिए मॉडल के लिए इनपुट चाहिए, डेटा चाहिए। अभी हमको यह समझना चाहिए कि हम क्लियरली देख रहे हैं कि बहुत ट्रांसमिसिबल होगा, लेकिन कितना सीरियस होगा और थोड़े कई दिन के बाद पता चलेगा। आप क्यों समझो, किसी को फ्लू होता है तो पहले दिन तो सिर्फ खांसी रहती है, फिर बुखार आता है, तो ये सिम्टम्स दिन जैसे दिन जाते हैं इवॉल्व होता है। और अब तक हमने क्या सीखा है कि ये एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स को 2 हफ्ते लगते हैं। अभी अभी ये वायरस को डिटेक्ट होके 2 हफ्ते नहीं हुए हैं। तो मॉडल फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा जब डेटा इनपुट आ जाएगा कि कितने लोग सीरियसली बीमार हो रहे हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारे पास कितने बेड्स है, ऑक्सीजन है कि नहीं। लेकिन हमको तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी तैयारी ऐसे तरह के पैंडेमिक के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकती। जैसे सुनामी हो, जी अर्थक्वेक हो, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, ऐसे नहीं है कि एक बार हो गया तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते नहीं, हैं, लेकिन अगर लेकिन हमको इस तरह सावधान का रहना खतरा चाहिए। है डॉक्टर मिश्रा, तो फिर बाजार कम जाए, भीड़ के इलाके में कम जाए, घरों में रहे, या सरकार कुछ ऑड इवेन या कुछ और तरह के लॉकडाउन, क्या उसकी आवश्यकता है आपकी दृष्टि में? नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है पूरी चीज को देखते हुए सरकार का काम है कि सर्विलेंस एकदम से तेज करे कि कोई भी जहां पे आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल है, उनका पूरी तरह से टेस्ट हो। और जैसे शुरू में डॉक्टर त्रेहन ने बताया था कि जो पॉजिटिव है उसको पता लगाएं और सबको क्वारंटाइन में ठीक से रखें, जीनोम सिक्वेंसिंग की सर्विलेंस हो, ये बहुत जरूरी है। और इससे हमको शुरू की सिचुएशन पता चलेगी और प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। दूसरी चीज है, लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अभी हमको अगर हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर पारिक ने कि अगर मास्क नहीं पहनते हैं, उन्होंने मतलब ऐसा एडजेक्टिव यूज किया कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, हम वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं अगर हम मास्क नहीं पहन रहे हैं और भीड़ भाड़ की जगहों में लापरवाही से टहल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम वैक्सीन ठीक से लगाएं पूरी तरह जो हमारे पास है। अगर हम ये 3 चीज करते हैं तो कोई भी वेरिएंट जो होगा हम उसको फेस कर सकते हैं। और ये पैंडेमिक चल रहा है तो हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप कुछ भी करिए लेकिन ये वायरस जो है जो वो फैलेगा उसको हम जी कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल सकते हैं, ये हमको सोचना है। हम किसी बायो बबल बना के ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते क्योंकि सही बार बात बार है, ऐसा देखा लेकिन जाता है। लेकिन जो इम्यूनो डेफिशिएंट लोग हैं, जिनमें वैसे ही अपनी अपने शरीर की सुरक्षा कम है, डॉक्टर लहारिया, वो क्या करें और उस तरह के लोग क्या करें? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी, और डॉक्टर पारिक आप भी इस पर बताइएगा जल्दी से, क्या इम्यूनो डेफिशिएंट लोगों को ये नया वेरिएंट ज्यादा
हिट कर रहा है? तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम कितने जी डॉक्टर लाहरिया, फिर डॉक्टर पारिक और फिर डॉक्टर जयलाल, जल्दी जल्दी जी। या सो जब हम बात कर रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं और क्या परिस्थितियां हैं, तो हमें याद रखना होगा कि जो पहले की परिस्थिति थी डेल्टा आने तक और इस ओमिक्रॉन से पहले की, और उसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। वो अंतर यह है कि लोगों में एंटीबॉडी है और साथ में 82% पॉपुलेशन को एटलीस्ट वन वैक्सीन शॉट मिल चुका है। तो अगर हाईली ट्रांसमिसिबल वेरियंट भी हो तो वो काफी नहीं होगा उस आबादी के लिए जिसमें वैक्सीनेशन हो चुका है, भले ही वो एक शॉट मिला हो, उसमें काफी अंतर होगा। तो ट्रांसमिसिबल वेरिएंट उस आबादी के लिए ज्यादा खतरनाक होगा जहां पर कोई वैक्सीनेशन शॉट नहीं मिला है। ठीक, तो यहां पर हमारी चिंता थोड़ी सी कम हो जाती है और हमारी तैयारियां बेहतर होंगी। बात आती है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज की, तो निश्चित रूप से उन सब लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, और डबल मास्किंग करने की जरूरत है, और खासतौर से उस समय से सजग हो जाने की जरूरत होगी जब अगर कोई ओमिक्रॉन का केस उस सेटिंग में रिपोर्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। आपके अपने हाथ में है आपकी सुरक्षा। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।